अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या देख लीजिए से एक दरख्वास्त करनी थी आपसे। दरख्वास्त ये करनी थी कि मेरे पास 4 बेड की डिश है, एशिया लगा हुआ है, एशिया 7। तो अब उस 4 बेड की डिश पे एशिया 7 से लगाने मुझे 95 डिग्री, तो 95 डिग्री के यू बेड किस तरह लगेगी, क्योंकि सी बेड की एल भी जो लगी हुई है ना वो मुझे निकालनी है, वहाँ लगानी है क्यू बैंड की एल एन बी। तो डिश को ऊपर नीचे और दाएं बाएं कितना करना पड़ेगा, अगर आपके पास वीडियो है तो मुझे वीडियो दें, तो वीडियो बना कर दिखाएं, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है भाई, आपको ना जल्द ही वीडियो बना के ना सुबह ही अपलोड कर दूंगा, देख लेना। फिलहाल इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, आप अपना नाम कमेंट वगैरह कर देना। तो दोस्तों, ये मेरा एक दोस्त था जिसने मेरे साथ रब्ता किया कि मुझे ये वाली सेटिंग करके दिखाई जाए। अगर आप लोग भी कोई सेटिंग करवाना चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप वॉइस या मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो जल्दी वो वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये एक मेरा भाई था, उसने बोला था कि हमें ARY से 95 डिग्रीज की सेटिंग करके दिखाएं 4 फीट डिश पे। तो ये फरमाइशी वीडियो है एक, तो ये मैं जो के बताने जा रहा हूँ उस भाई को, तो ये आप देख लें ARY एशिया 105 डिग्रीज पे अभी 4 फीट की डिश है। तो ये LNB की एलिवेशन भी आप देख सकते हैं, तो पीछे मैंने इसकी निशानी भी लगा रखी है। फिर आप चेक करवाते हैं कि कितना अप डाउन करने के बाद हमने 95 डिग्रीज को ट्रैक किया है। तो दोस्तों, ये इसके जो कुछ चैनल हैं, ये सहारा 1 वगैरह आपको पता ही होगा, ये इसी सैटेलाइट के चैनल हैं एशिया 105 डिग्रीज के। तो अभी मैं ये KU बैंड की LNB सेंटर में लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको ट्रैक करके चेक करवाते हैं कि कितना अप डाउन करना पड़ा हमें 95 डिग्रीज के लिए। तो दोस्तों, कुछ इस तरह आपने KU बैंड की LNB लगा लेनी है, इसकी वायर की एलिवेशन कुछ इस तरह है कि, तो ये आप देख लें, ये मैंने लगा लिया अभी। तो एशिया का सिग्नल आउट हो गया क्योंकि सी बैंड हमने ख़त्म कर दिया। अभी मैं लगा लेता हूँ 95 डिग्री इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी, तो वो भी ये आपको इस वीडियो में चेक करवा देते हैं। उसके बाद आपको चेक करवाते हैं कितना अप डाउन करना पड़ता है हमें 95 डिग्रीज के लिए। तो ये रही हमारी 95, ये DD न्यूज़ की स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी आपने लगा लेनी 11090 वाली, वर्टिकल 29500 वाली। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी मेरी 4 फीट की डिश है, एशिया 105 डिग्रीज पे खड़ी है। तो निशानी मैंने पहले ऑलरेडी लगा के रखी हुई है, तो ये एशिया पे खड़ी हुई थी। तकरीबन आपने आधा इंच पीछे से डिश को अप कर लेना, तो मैं अप करने लगा हूँ। तो ये मैंने डिश को अप कर लिया आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं डिस्प्ले को कर लेता हूँ अपनी तरफ और डिश को पकड़ के करता हूँ मूव। तो जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता डिश को दोस्तों कर रहा हूँ मूव राइट की तरफ बोलना था। तो यहाँ पे मुझे इसका सिग्नल मिल गया, तो ये आप देख सकते हैं 52। तो मज़ीद फाइन ट्यून करके देख लेते हैं डिश को अप डाउन करने के बाद। तो मैं दोस्तों अकेला हूँ, तो मैं इसकी फाइन ट्यून कर आपको चेक करवाता हूँ कितना सिग्नल मेरे पास इसका रिसीव होता है 4 फीट पे। तो दोस्तों, ये फाइन ट्यून करने के बाद 92 तक सिग्नल है मेरा इस पे 4 फीट डिश पे। तो ये आप देख लें 95 डिग्री ईस्ट, ये मुकम्मल मेरे पास जो है 82 182 जो चैनल है रिसीव होते हैं। तो ये आप देख लें, ये मुकम्मल जो ना अभी मेरे पास रिसीव हो चुकी है। तो ये देख लें आप, अभी इसकी वीक फ्रिक्वेंसी आपको चेक करवा देते हैं, ये दंगल। तो ये भी आप देख लें,
तो ये आप देख रहे हैं डंगल चल रहा है, ये द क्यू। तो काफ़ी प्यारे प्यारे चैनल हैं इसकी भी सैटेलाइट के। तो दोस्तों इस तरह आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।